विकास के नाम पर जिस मजबूती के साथ बीजेपी हमेशा रही है इस चुनावी रण में, क्या इस बार विकास के नाम पर भी वर्ग बढ़ गए हैं? मेरी सबको राम राम। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने लगातार 6 बार अपनी सरकार बनाई हो, तो आगे भी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनवा के अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखेगा। गुजरात को जिस प्रकार का एक माहौल दिया है जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है, उस माहौल के तहत ग्राउंड रियलिटी में लोग परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं जी। कुछ लोग तो हमेशा चाहते हैं कि बदलाव हो जाए और उनके उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है उसका सम्मान करना चाहिए। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर जब वोट डालने जाते हैं तो वो एसेस करते हैं कि क्या ये राजनीतिक दल ठीक रहेगा या वो राजनीतिक दल ठीक रहेगा, क्या ऐसा राजनीतिक दल ठीक रहेगा जहां पर लीडर के नाम पे, नेता के नाम पे कोई कुछ है ही नहीं। अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, किसी बड़े नेता की प्रेजेंस आपको वहां पे गुजरात की धरती पर नजर आती है? जी नहीं। आम आदमी पार्टी से अपना दिल्ली, स्टेट और पंजाब संभलता नहीं है और ये गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं। और जिस प्रकार का ये सोचते हैं कि केवल और केवल लोग प्रलोभन देकर गुजरात की जनता जो है वो इनको वोट देगी, तो मेरे ख्याल से बहुत भारी गलतफहमी में है। क्योंकि गुजरात जो है पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करती हूँ तो गुजरात से आता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ से होता है? गुजरात से आता है। तो यहाँ पर अगर सोचा जाएगा कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर आम आदमी पार्टी अपने कदम जमा देगी, तो याद कर लें पिछली बार के नतीजे क्या रहे थे। 0.10% वोट परसेंटेज मिला था और सभी जगह इनकी जमानत जब्त हो गई थी। लैक ऑफ लीडरशिप के साथ साथ ये पिछले बार के चुनावों की बात कर रहे हैं जिसमें 99 पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी और चिंता इसी बात की थी कि वोट शेयर भले ही बड़ा हो लेकिन सीटें बीजेपी के घटे थी, सब कुछ तब कांग्रेस के फेवर में गया था। समीर, ग्राउंड रियलिटी जो पिछली बार की है उसका जिक्र करते हैं, लैक ऑफ लीडरशिप क्या अभी भी एक चिंता की बात है यहाँ पर कांग्रेस और बाकी सहयोगी पार्टियों के लिए भी अगर हम बात करें तो? देखिए, उसी थोड़ी देर पहले मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि लैक ऑफ लीडरशिप का आप जिक्र कर रही हैं वो तो एक नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को लेकर उतनी क्यूरियोसिटी लोगों में नहीं है। भूपेंद्र पटेल को एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से पेश भी नहीं किया जा रहा है। बीजेपी लड़ रही है मोदीत्व के नाम पर चुनाव, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव। अगर चेहरे की बात की जाती है तो भूपेंद्र पटेल भी कहीं नजर नहीं आते। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी कोई बड़ा चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट अगर कोई चेहरा सामने रखना हो तो कांग्रेस के हाथ भी खाली नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह स्ट्रेटजी बनाई है, अशोक गहलोत जो यहाँ के सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो जब पिछले दिनों दौरे पर आए यहाँ पर, तो उन्होंने एक मूल मंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये दिया कि साइलेंट तरीके से काम करना है, हो हल्ला नहीं करना है लेकिन अंदर ही अंदर ग्राउंड लेवल पर चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है। उस स्ट्रेटजी पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। अब इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो अग्रेसिवली चुनावी मैदान में उतरी है और बहुत जोर शोर से अपनी बातों को, अपने मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि किस तरह से पहली बार अरविंद केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चलते हुए नजर आए जब वो ये डिमांड करते हैं कि करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। उसका अभी तक बीजेपी कोई जवाब ढूंढ नहीं पाई है, तो ये इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कम से कम आम आदमी पार्टी देखती है। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दे कई हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे पर इस बार गुजरात में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी बीजेपी की नजर आती है, वो भी भूपेंद्र पटेल के चेहरे को नहीं, जाहिर है नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे चेहरा रहे। और चेहरे से बनने वाला वोटर्स का दिमाग, जाहिर है चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं, मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। आता हूं आपके पास समीर, बहुत महत्वपूर्ण आपका एनालिसिस लोगों की बातचीत के आधार पर जो आपने मन टटोला है आपके पास।